हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप। यहाँ पे हम लोग आज करने वाले हैं डीएवी क्लास फोर साइंस के चैप्टर फोर प्लांट्स अराउंड अस के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन करने चाहता रहता हूँ। गाइज, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। तो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी वीडियो के लिए आप लोग इजिली प्ले लिस्ट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल्स आर टॉल स्ट्रेट एंड हैव अ डैश शेप। यहां पे बोला क्या है, प्लांट्स जो कि हिल में ग्रो करते हैं वहां पर उनके पास क्या होता है, एक लंबा सा टॉल आकार होता है, उसके बाद वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, और वहां पर उनके पास जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो कोनिकल शेप होता है। टू, डैश एंड डैश आर टू ऑफ द ट्रीज दैट ग्रोज ऑन प्लेन। दो ऐसे ट्रीज जो कि प्लेन पर ग्रो करते हो, तो पीपल एंड मैंगो। थर्ड, ब्रीडिंग रूट्स आर आल्सो कॉल्ड एरिया रूट्स। ब्रीडिंग रूट्स को एरिया रूट्स भी कहा जाता है। फोर्थ, हाइड्रिला इज एन अंडर वाटर प्लांट। हाइड्रिला जो है वो पानी में रहने वाला प्लांट है। फिफ्थ, लोटस स्टीम इज रिटन एज वेजिटेबल। लोटस स्टीम को वेजिटेबल के रूप में खाया जाता है। बी, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, एवरग्रीन ट्रीज रबर एंड टीक। टू, नीडल लाइक लीव्स पाइन एंड केदार। थर्ड, नो लीव्स कैक्टस। फोर्थ, ब्रीडिंग रूट्स मैंग्रोव। फिफ्थ, एयर फिल्ड कैविटीज एक्वाटिक प्लांट्स, ए कल्टिवेटेड क्रॉप राइस। सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, इट इज एन फ्री फ्लोटिंग प्लांट। ऑप्शन ए, वाटर हायसिंथ। टू, दीज आर अनवांटेड प्लांट। ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वीड्स। थर्ड, इट कैन सर्वाइव इन सॉइल विथ वेरी लिटिल वाटर। ये जो है ऐसे सॉइल में सर्वाइव कर जाता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ऑप्शन डी, कैक्टस। डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। अब आपको छोटे छोटे आंसर्स लिखने होंगे इन सारे क्वेश्चन का। इसमें पहला पूछा गया है, वाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो कि जमीन में उगाएं, यानी जमीन में ग्रो हो जाएं, उन्हें हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। ओके, सेकंड बोला क्या है, हाउ डज द कोनिकल शेप हेल्प द प्लांट ऑफ हिल्स। यहां पे बोला जा रहा है कि जो कोनिकल शेप होता है हिल्स के प्लांट्स का, वो उनकी कैसी मदद करता है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, द कोनिकल शेप ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट्स डज नॉट अलाउ द स्नो टू डिपॉजिट ऑन देम। यानी जो भी कोनिकल शेप होता है इस टाइप के ट्रीज का या प्लांट्स का, वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि बस उनके पास जम के रह जाए। ओके, वो सीधा उन्हें गिरा देता है, क्योंकि स्लोप बन जाता है, स्लोप में जैसे ही बर्फ गिरता है वो सीधा नीचे आ जाता है। ओके, वो वहां पे टिक नहीं पाता है। ओके, थर्ड, नेम टू ट्रीज ग्रोइंग इन हॉट एंड वेट रीजन। यहां पे आपको दो ट्रीज बताने हैं जो कि हॉट और वेट रीजन में पाए जाते हैं। ओके, तो आंसर क्या लिखेंगे, ट्रीज लाइक टिक रबर आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन। ट्रीज जैसे कि टिक और रबर हो गया, वो कहां पाया जाता है, हॉट और वेट रीजन में। फोर्थ, नेम एन अंडर वाटर प्लांट, व्हाट काइंड ऑफ लीव्स डज इट हैव। आपको यहां पे एक अंडर वाटर प्लांट का नाम बताना है जो कि पानी के बिल्कुल अंदर रहता हो और उसके पास किस प्रकार के लीव्स होते हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रिला इज एन प्लांट दैट ग्रोज अंडर वाटर, इट हैज पॉइंटेड एंड स्टेप लाइक लीव्स। हाइड्रिला जो है एक ऐसा प्लांट है जो कि पानी के बिल्कुल अंदर रहता है, एंड उनके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड यानी नुकीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है, तो प्लगिंग क्या होता है, प्लगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल एंड मेकिंग इट सॉफ्ट। ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, लिस्ट द डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में बताना है। डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर, फर्स्ट, प्लांट्स ऑफ हिल्स, सेकंड, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, थर्ड, प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजंस, फोर्थ, प्लांट्स ऑफ मार्श एरियाज, फिफ्थ, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरियाज। यानी यदि हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें तो वो इन सारी जगहों में उगता है, हिल्स में, प्लेन्स में, हॉट और वेट रीजन में, मार्शी एरियाज में और डेजर्ट एरियाज में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ इज कैक्टस प्लांट एबल टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन। कैक्टस प्लांट डेजर्ट कंडीशन में क्यों ग्रो कर पाता है, किस कारण ग्रो कर पाता है, तो कैक्टस प्लांट कैन ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन बिकॉज इट कैन सर्वाइव इन सॉइल दैट हैज वेरी लिटिल वाटर। देखिए, कैक्टस प्लांट डेजर्ट कंडीशन इसलिए ग्रो कर पाता है क्योंकि वो ऐसे सॉइल में भी सरवाइव कर जाता है जिसके पास बहुत कम पानी होता है। इट हैज ग्रीन स्टेम एंड वेल डेवलप्ड रूट्स, द स्टेम स्टोर्स वाटर। अब देखिए, उसके पास क्या होता है ना कि हरे हरे स्टेम होते हैं। ओके, एंड वो क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, जिसके चलते वो लंबे समय तक बिना पानी के सरवाइव कर जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स, स्टेट देयर टाइप्स एंड गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स दीजिए और हर एक टाइप का दो एग्जांपल दीजिए। प्लांट्स विच ग्रो ऑन वाटर बॉडीज आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स।
ऐसे प्लांट जो कि वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं उन्हें हम लोग एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। यदि हम लोग टाइप्स की बात करें तो पहला आता है फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट, जिसमें दो आते हैं फ्री फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्वेटिक। फ्री फ्लोटिंग एग्जांपल हो जाएंगे वाटर लोटस और डकवीड, और फिक्स्ड के हो जाएंगे लोटस और वाटर लिली। अंडर वाटर की बात की जाए तो अंडर वाटर में आपका आता है हाइड्रिला। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर कल्टिवेटेड प्लांट्स। कल्टिवेटेड प्लांट्स क्या होते हैं? कल्टिवेटेड प्लांट्स आर दोज व्हिच आर प्लांटेड एंड ग्रोन, एग्जांपल सुगर केन, मेज, वीट एंड राइस, कल्टिवेशन डन बाय सोइंग सीड्स। देखिए कल्टिवेटेड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें प्लांट करके ग्रो किया जाता है, यानी यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद उससे नए नए प्लांट्स जो अपरूट करके ग्रो किए जाते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल में आपको कौन कौन सा होता है, राइस और मेज अभी मेनली जो एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग। फिफ्थ, व्हाई शुड वीड्स बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड्स, वीड्स को क्यों फील्ड से हटा देना चाहिए? ऐसा क्यों जरूरी होता है कि हम लोग फील्ड से वीड्स को हटा दें? वीड्स कैन बी रिमूव सो दैट दे डू नॉट कंज्यूम वाटर एंड फर्टिलाइजर मीन फॉर द मेन क्रॉप। देखिए वीड्स को इसलिए फील्ड से हटा देना चाहिए ताकि वो जो पानी या फिर जो भी चीज़ें हम लोग मेन क्रॉप के लिए दे रहे हैं वो उसे कंज्यूम ना कर पाएँ, क्योंकि देखिए वो क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं किसके लिए, सनलाइट के लिए या फिर जो पानी मिल रहा है, जो फर्टिलाइजर मिल रहा है, उन सारी चीज़ों के लिए वो कंपटीशन करते हैं मेन क्रॉप्स के साथ। ओके, एंड उसके चलते क्या होता है, मेन क्रॉप के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, इसलिए कहा जाता है कि वीड्स को जितना जल्दी हो सके रिमूव कर देना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर ये सिंपल सा होगा। नेक्स्ट आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ड्यूरिंग हिज वैकेशन रमेश वेंट टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स विलेज, ही सॉ हिज ओल्ड एंड वीक ग्रैंडफादर प्लगिंग द फील्ड विद द हेल्प ऑफ बलक्स। देखिए समर वैकेशन के टाइम पे रमेश जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसके बूढ़े जो ग्रैंडफादर है वो क्या कर रहे हैं, वो फील्ड्स को प्लग कर रहे हैं बुलक्स की मदद से। रमेश फेल्ट वेरी सैड, रमेश जो है बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करता है क्योंकि उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इन द इवनिंग ही रैंग अप हिज फादर एंड टोल्ड हिम अबाउट इट। इवनिंग के समय में, शाम के समय में वो अपने फादर को बोलता है इस बारे में कि दादाजी जो है इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। ओके, आफ्टर अ फ्यू डेज हिज फादर कम टू विलेज विद अ पर्सन फ्रॉम बैंक। कुछ दिनों के बाद उसके जो पिता थे, यानी रमेश के जो पिता थे, वो एक व्यक्ति के साथ आते हैं विलेज में जो कि बैंक से था। द बैंक ऑफर्ड इजी लोन्स टू फार्मर्स टू बाई ट्रैक्टर्स। अब जो बैंक था ना उसने एक इजी लोन प्रोवाइड करा दिया सभी तरह के फार्मर्स को कि वो ट्रैक्टर को खरीद पाएंगे। आफ्टर अ मंथ रमेश ग्रैंडफादर ब्राउट अ न्यू ट्रैक्टर। देखिए क्या होता है, रमेश के ग्रैंडफादर जो है एक महीने के बाद एक नया ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। ओके, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फर्स्ट, हाउ डू वी नो दैट रमेश इज वेरी केयरिंग बॉय। हमें ये कैसे पता चलता है कि रमेश एक बहुत ज़्यादा केयरिंग बॉय है? बिकॉज रमेश रिक्वेस्टेड हिज फादर टू बाई अ ट्रैक्टर फॉर हिज ग्रैंड फादर। ओके, रमेश ने क्या कहता है, अपने फादर को इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया होगा कि वो जो है अपने ग्रैंड फादर के लिए, यानी कि उनके पिता के लिए एक ट्रैक्टर खरीद दें। सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज रमेश फादर, रमेश के पिता जो है वो किस प्रकार के व्यक्ति है? रमेश फादर इज ए पीपल हु केयर्स अबाउट, रमेश के पिता जो है इस प्रकार के व्यक्ति है जो क्या करते हैं, दूसरों के बारे में भी केयर करते हैं और वो हेल्पिंग नेचर के भी है। ओके, थर्ड, हाउ कैन यू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कैसे मदद करते हैं, या आपको खुद इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। ओके, आप लोग ये लिख सकते हैं कि हम उनकी सेवा करते हैं, वो जब भी कोई चीज़ मंगवाते हैं हमसे तो उनके लिए हम ला करके देते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता हूँ। गाइस, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, एंड किसी भी वीडियो के लिए आप लोग इजीली प्ले लिस्ट सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।